तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात करते हैं आज की वीडियो में, डिस्कस करते हैं नेवी SSRA मॉर्निंग शिफ्ट का 17 सितंबर यानी कि टुडे के पूछे हुए क्वेश्चन आज के दिन के। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, वो आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या नेवी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन जो कि आप बच्चों ने बताए अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना था। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर को आपको इसमें टी ले लेना है। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप, आशा करता हूँ आपने इंटीग्रेशन अच्छे से कर रखी हो तो आप समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, 2x dx आपका dt हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आई लेट थ्योरम आपको पता होगी, आपको वो थ्योरम लगानी है उसके अनुसार फर्स्ट और सेकेंड के बीच। ठीक है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन उसका कर देना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। सेकंड बात करते हैं, कैपिटल पूछी गई थी लिबेरिया की, इसकी है मोनरोविया। डीसी की फुल फॉर्म आई थी जिसकी है डायरेक्ट करंट। वेस्ट बंगाल गवर्नर पूछा गया था जगदीप धनकर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थिलाना का संबंध किस डांस से है। थिलाना, देखो ये क्वेश्चन था जो भरतनाट्यम से इसका संबंध है। अगली फुल फॉर्म पूछी गई थी NSUI की, फुल फॉर्म पूछी गई आज के एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट में, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 न्यूजीलैंड में जो हुआ था वो किसने जीता, वह इंडिया ने जीता था। ठीक है, एक आया था फिजिक्स का क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड वेव थ्योरी, ये हाइगंस। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। जितने क्वेश्चन मुझे पता चले मैंने आपको सारे बताए। अगर आपका भी एग्जाम है तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डे बात करते हैं एक और, NROL सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया गया। ठीक है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये, तो ये यूनाइटेड स्टेट USA। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं EM वेव्स, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर आपने अब तक फिजिक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी मेरे चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम से पहले, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं US ओपन विनर टेनिस, ये किसने जीता था। ठीक है, तो US ओपन जो अभी 2019 में हुआ था ये किसने जीता, ये राफेल नडाल ने। ठीक है, अगला बात करते हैं CPEC की फुल फॉर्म पूछी गई थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, ये बर्मा। ठीक है, अगला इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से मिल रहे होंगे और साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे। EDI फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो याद रखना मुगल बादशाह शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से रिलेटेड था, विच प्रिंटर वॉज यूजेस बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जो प्रिंटर चलता है उस पर वो कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। देखो हिंड्रेंस का पूछा गया था एंटोनियम, हिंड्रेंस का आप उसमें पता नहीं हमें चार ऑप्शन कौन से हैं, पर जो भी होगा आप लगा लोगे, इसका मतलब समझ लेना बस बाधा। ठीक है, उसके आपका अपोजिट कोई मतलब होगा तो वो आप लगा सकते हो। इंडियाज़ ओल्डेस्ट लैंग्वेज संस्कृत। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका रूरल एंड अर्बन लाइफ से आपका पैसेज आया था कुछ इस प्रकार से उससे रिलेटेड, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और आखिरी जो आपके 2 क्वेश्चन है, नरेशन से 1 क्वेश्चन था और एक्टिव पैसिव से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो अभी इतने क्वेश्चन पता चले, अगर आपका भी एग्जाम हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।